तो सिर्फ कॉम्पैक्ट भी कितनी कमाल की चीज़ होती है ना। हमको कहीं भी पार्टी में जाना है, अगर हमारा मेकअप जरा सा भी इधर उधर हुआ तो हमने हल्का सा कॉम्पैक्ट से अपना टचअप दे लिया और हम रेडी टू गो हो गए अपनी पार्टी के लिए। लेकिन क्या आप ये कॉम्पैक्ट सही यूज़ कर रहे हैं, अपने स्किन के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं? अगर नहीं तो चलिए आज मैं आपको अपने वीडियो में बताती हूँ कि आपको कौन सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना चाहिए और उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी 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 अपने शुभ हाथों से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और आइकन बेल पर जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, कॉम्पैक्ट पाउडर एक ऐसी चीज़ है जो हम लेडीज़ों के पर्स में ज़रूर होती है और ये झट से हम लोग के मेकअप को सेट कर देती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये कॉम्पैक्ट पाउडर या पाउडर कितने तरीके के होते हैं। ये पाउडर चार तरीके के होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रेस्ड कॉम्पैक्ट पाउडर, एक होता है लूज कॉम्पैक्ट पाउडर, तीसरा होता है शीयर कॉम्पैक्ट पाउडर और चौथा होता है मैट कॉम्पैक्ट पाउडर। जो लूज पाउडर होता है, लूज पाउडर अपने मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं और जो प्रेस्ड कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, जो कि हमारे इस फॉर्म में आता है कुछ, ये हम अपने चेहरे को टचअप देने के लिए यूज़ करते हैं। जो शीयर वाला कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो हम अपने स्किन में शाइन लाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो चौथा और लास्ट पाउडर होता है वो मैट लुक प्रेस पाउडर होता है, जो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो ऑयली स्किन के ऑयल को खींच के मैट लुक देता है। तो ये होते हैं हमारे चार तरीके के पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर के टेक्सचर पे हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो इसका जो टेक्सचर है वो सिलिकॉन बेस होना चाहिए, बहुत ही चिकना होना चाहिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ख़राब क्वालिटी का कभी मत लीजिए आप फेस पाउडर, क्योंकि वो आप अपने ऑब्वियसली फेस पे यूज़ कर रही हैं। तीसरी चीज़ है कि हमको कौन सा फेस पाउडर कौन सी स्किन पे लगाना चाहिए। तो हमको ऑयली स्किन पे मैट लुक वाला पाउडर यूज़ करना चाहिए, कॉम्पैक्ट पाउडर, ताकि जो वो पाउडर है हमारे स्किन की जो चिकनाई है, जो ऑयल है, उसको अच्छी तरह से सोख ले और हमको मैट फिनिश लुक दे। अब बारी आती है ड्राई स्किन वाले की। ड्राई स्किन वालों को हमेशा सिलिकॉन और क्रीम बेस्ड फेस पाउडर यूज़ करना चाहिए, ताकि उनके जो ड्राई स्पॉट होते हैं, जो वाइट स्पॉट आ जाते हैं ड्राई स्किन में, वो अच्छी तरीके से छुप जाएं और एक अच्छी सी चमक वाला हमको फेस मिले उससे। ड्राई स्किन वालों को हमेशा क्रीमी टेक्सचर का ही कॉम्पैक्ट यूज़ करना चाहिए। अब आती हमारी सेंसिटिव स्किन की बारी। जो सेंसिटिव स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आप हर कुछ उस पर ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसी स्किन के लिए मिनरल बेस्ड फेस पाउडर यूज़ करना चाहिए, ताकि उसको लगाने से आपको किसी भी तरीके का हार्म ना पहुँचे। अब बारी आती है हमारी कि हमको कौन सी टोन का कौन सा फेस पाउडर यूज़ करना चाहिए। हम में से कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने स्किन के रंग के हिसाब से फेस पाउडर नहीं लेती हैं, जिसके बाद वो लगा तो लेती हैं लेकिन वो आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उखड़ा उखड़ा सा फेस लगता है उससे, बहुत लगता है कि हाँ किसी ने पाउडर लगा रखा है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा अपने स्किन के हिसाब से पाउडर यूज़ करना चाहिए, ताकि वो आप जब भी लगाएं उसको तो वो आपकी त्वचा से एकदम मेल खाता हुआ होना चाहिए, ताकि आपको ये ना लगे कि आपने कुछ अपने चेहरे पे कुछ एक्स्ट्रा आपने कुछ लगाया है। जिनका रंग एकदम साफ है वो लोग पिंक अंडरटोन का फेस पाउडर यूज़ करिए, पिंक अंडरटोन का। और जिनका रंग गेहुआ है या सांवला, वो येलो या ऑरेंज शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर लीजिए। तो आप अगर अपने अंडरटोन, अपने स्किन अंडरटोन के हिसाब से पाउडर लेती हैं तो आपके लिए वो बहुत बेस्ट है। दूसरी चीज़ आती है कि आपको उसको लगाना कैसे। लगाने के लिए हमको हमेशा एक स्पॉन्ज या एक स्पॉन्ज पैड दे रखा रहता है, आप अगर उससे सही कंफर्टेबल है तो उससे लगाइए। लेकिन उसको अगर आप अपने ब्रश से यूज़ करेंगे तो ब्रश से एक समान पूरा फेस पाउडर लगेगा और आपको बिल्कुल भी कहीं भी ड्राई पैचेस, अनइवन स्किन नहीं लगेगी, आपको हमेशा अच्छा ही वो फिनिश लुक देगा। तो आप इस तरीके से अपने सही कॉम्पैक्ट को यूज़ करके, सही से लगा करके एक अच्छा सा मेकअप सेट कर सकते हैं और आप एक अच्छा सा
लुक अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये जानकारी? अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय दोस्तों।